फिलहाल गोरखपुरी साहब का एक शेर है, मौत का भी इलाज हो शायद मगर जिंदगी का कोई इलाज नहीं। नमस्कार, रवि के टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। ये तय बात है कि जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती है, कई दुश्वारियां आती है, लेकिन उन दुश्वारियों को पार पाना हमारे ही वश में होता है। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अपने हौसलों के जरिए जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी को चुना और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया, उस तूफान को उन्होंने पार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के सिपाही लून सिंह राठौर जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका तबीयत के टाइम्स। थैंक यू मैम। सर, जिस घटना का हम यहाँ पर ये तूफान का जिक्र कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी घटना रही है आपकी जिंदगी की। 27 जनवरी 2015 को ये घटना घटित हुई, आप ही के जुबानी में मैं वो घटना सुनना चाहूँ। मैं 27 जनवरी 2015 के दिन बाड़मेर शहर से गांव की ओर जा रहा था और 30 जनवरी को मेरी शादी तय थी, तो शादी के कार्ड बांट के मैं घर की ओर जा रहा था। दिन के समय लगभग रहा होगा 3 बजे का और बाड़मेर शहर से समथिंग 1.5-2 किलोमीटर मैंने जूई क्रॉस किया था। सड़क पर चलते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम से आकाश में उड़ रहा हूँ। ऊपर से जो एक MiG-27 क्रेश होकर के गिरा था और उसके विस्फोट के साथ में मैं बाइक से ही ऊपर उछल गया था। फिर जो ही मैं नीचे गिरा तो मुझे लगा कि चारों तरफ आग लगी हुई है और जो विमान था उसका टूट के मलबा सारा बिखर रहा, चारों तरफ मेरी आंखों के सामने से बिखर रहा था। जो ही मैं वहाँ से अपने खुद को संभालते हुए मैंने उस आग से दौड़ करके निकलने की बाहर कोशिश करी और मैं दौड़ता ही जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ आग लगी हुई है। उस आग से जो मेरे जैकेट पहना हुआ था वो जैकेट जलने लगा, तो मुझे लगा कि मेरे जैकेट जल के शरीर के चिपक जाएगा, तो मैंने जैकेट को निकाल के फेंक दिया। फेंकने के साथ में फिर मुझे लगा कि मेरा शर्ट जो है वो भी जल करके शरीर को चिपकने की ओर है, तो मैंने शर्ट को खींचते हुए जैसे तैसे खुद को बचाते हुए उस आग में से मैं दौड़ के बाहर आया। बाहर आने के बाद में जो है मैंने खुद को संभाला तो मुझे लगा कि मेरे हाथ पैर जो कपड़ों से बाहर थे वो सारे जल गए थे और सर के बाल जो थे वो काफ़ी हद तक जल चुके थे। और बाहर आने के बाद मैंने यही प्रयास किया कि मैं सबसे पहले उस शख्सियत को कॉल करूं जो मेरे लिए इमरजेंसी में हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था कर सके। लेकिन एक मिग का इस तरह से आप उससे ग्रसित हुए और जब वो हादसा हुआ तो जहन में क्या चल रहा था, किस तरीके से आपने वो साहस भी जुटाया कि आप किसी को कॉल करके ये बता सके कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है? मैं उस दौरान मेरा जो मोबाइल फ़ोन था वो उस दुर्घटना में वहीं रह गया था और वहीं जल गया था। बाहर वहाँ से दौड़ करके मैं बाहर जो है आया वापस तो कुछ लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा होनी शुरू हो गई थी। मैंने उनसे फ़ोन लेकर के, मुझे याद है कि उस टाइम भी मेरे को और किसी के नंबर नहीं याद आए और हमारे बाड़मेर के लोकल जो MLA मेवाराम जी उनको भी मैंने सीधा कॉल किया था कि सर ऐसा ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ है, मैं किसी भी प्रकार से किसी व्हीकल से हॉस्पिटल तो पहुँच जाऊँगा लेकिन मुझे त्वरित जो है वो डॉक्टर की व्यवस्था चाहिए वहाँ। उस समय हमारे MLA साहब ने सारी व्यवस्थाएं अरेंज करवाई थी, इमिडेंटली हर डॉक्टर को वहां उपस्थित करवाया था और मैं जो ही गाड़ी में बैठने ही लगा कि तुरंत पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई थी सदर थाना की, तो मुझे लगा कि प्राइवेट गाड़ी की बजाय मुझे पुलिस की गाड़ी से सहूलियत रहेगी हॉस्पिटल जल्दी पहुँचने में। और मैं वहाँ से पुलिस की गाड़ी में पहुँचा और पुलिस का सारा जाब्ता नीचे उतरा और ड्राइवर है हेतुदान जी, उनकी सूझबूझ के साथ जो ड्राइविंग थी और मुझे त्वरित गति से हॉस्पिटल पहुंचाया, वो मुझे आज भी याद है। और मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मेरा त्वरित गति से ट्रीटमेंट भी चालू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से हालात जो है काबू में आ पाए, उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था जब आप इस तरह से घसीट थे? उस वक्त जहन में तो खुशियां चल रही थी लेकिन खुशियों में एक विघ्न का पड़ना अपन भी समझ सकते हैं कि कुछ दुखदायी होता है, लेकिन उस दुख से हार करके बैठना कोई समाधान नहीं होता है, हमें दुख से लड़ना होता है। फिर यही तय किया कि जो हुआ ईश्वर की नियति थी और ईश्वर का शुक्रगुजार है कि जो होना था वो नहीं हुआ। कहने का मतलब जो इंसिडेंट था उस इंसिडेंट में मैं 99% कुछ नहीं बचता, लेकिन ईश्वर की दया से मैं शरीर मेरा जला और बाकी ज़्यादा इतनी समस्या नहीं आई। और डॉक्टर्स की टीमों ने लगातार मॉनिटरिंग करी और तत्कालीन मुझे याद है हमारे बाड़मेर के कलेक्टर साहब, एस साहब, ये सब वहाँ हॉस्पिटल भी पहुँचे थे, हालचाल भी जाने, मुझे पूछा भी। और एयरफोर्स के डॉक्टर्स ने और एयरफोर्स के ऑफिसर ने ये भी मुझे उस समय बताया था कि आपका ट्रीटमेंट अगर यहाँ आप सेफ्टी नहीं है तो एयरफोर्स हॉस्पिटल जैसलमेर चलते हैं।
लेकिन पारिवारिक परिस्थिति ये थी कि तीसरे दिन शादी थी, तय थी और बारात चढ़नी थी, इस वजह से जरूरी था कि जैसे भी हो एक बार यहाँ का ट्रीटमेंट हो जाए और जो शादी की रस्म है उसको भी पूरा करना जरूरी था। और उसके कुछ ही वक्त बाद आपने जो कांस्टेबल का एग्जाम दिया था उसका फिजिकल एग्जाम था। ये इंसिडेंट जो मेरे साथ 27 जनवरी को था, 30 को मेरी शादी थी, जो रिटन का एग्जाम था वो मेरे पहले हो चुका था और फिर 6 फरवरी को लिखित का मेरा रिजल्ट आया था और मैं उस परीक्षा को पास कर गया था। उसके बाद में मुझे ये कोई, हालांकि फिजिकल की कोई डेट तो तय नहीं थी, लेकिन एक अंदेशा था कि रिजल्ट आने के एक महीने के बाद में लगभग तय में हो जाता है। उसमें मुझे ये चिंता सताने लग गई थी कि हाथ जले हुए, पैर दोनों जले हुए, 10 किलोमीटर की मुझे रनिंग करनी है, टाइम भी शॉर्ट है, 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रनिंग और 60 मिनट में मुझे कंप्लीट करना है। तो अब उस जो इंसिडेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो मेरे माइंड पे था कि जो विस्फोट था वो, जैसा कि मुझे एयरफोर्स के डॉक्टर्स ने बताया कि हाई डेसिबल का था, तो उसे माइंडली प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा और मुझे मेरी त्वरित गति से, मतलब महीना भर 15 दिन बाद ये भूलने की आदत बहुत ज़्यादा हावी होने लगी थी मेरे ऊपर। कुछ ये भी चिंताएं सताने लग गई कि पता नहीं क्या होगा इस भर्ती में, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो आने वाली जो अन्य वैकेंसी होगी उसको मैं रिटर्न क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, वो हालात क्या होंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने तैयारी करनी शुरू करी। हालांकि तैयारी तो क्या करूं, फिजिकली तो था, लेकिन ये तय था श्योरली कि मैं 14 मार्च, फिर मेरा जब फिजिकल का डेट 14 मार्च को तय हुआ था तो मैं 10 मार्च तक 1 किलोमीटर भी दौड़ने पर सक्षम नहीं था क्योंकि पैर मेरे बुरी तरीके से जले हुए थे। उसी समय तत्कालीन बाड़मेर SP हमारे IPS परीश देशमुख सर थे, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया उस टाइम कि हौसला मत हारो, आप मैदान में उतर जाओ, अपनी दौड़ शुरू कर दो, जहां तक दौड़ सकते हो तुम दौड़ लो, हिम्मत हार के बाहर नहीं आओगे। तो उस हौसले ने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं फिजिकल लेने के लिए 14 तारीख को यहाँ जैसलमेर पुलिस लाइन ग्राउंड में उपस्थित हुआ और सुबह का समय था, 9 बजे मेरी दौड़ स्टार्ट हुई। परिस्थिति ने तय किया कि मैं 10 किलोमीटर के जो दौड़ में 400 मीटर के 25 राउंड मुझे कंप्लीट करने थे, 15 राउंड करते करते मैं इतना थक गया था कि मेरी पैरों से जो पसीना बह रहा होता है उसकी जगह मेरे पैरों से खून निकल रहा था और जो मेरे सॉक्स थे, शूज थे, यहाँ तक कि मेरे शूज सारे मेरे ब्लड से भीग गए थे, इतने पैरों से ब्लडिंग हुई थी। लेकिन फिर भी मैं एक बार तो 15 राउंड के बाद हार गया था कि यार नहीं कर पाऊंगा। बिग क्रैश हुआ, उससे आप उस हादसे से ग्रसित हुए, उसके बाद आपकी शादी थी और उसी के कुछ दिनों बाद आपका ये फिजिकल एग्जाम है वो था, तो कैसे खुद को उन सारी चीजों के लिए साहस दिलाया, आखिर वो क्या चीज थी? मैं वाकई ये जानना चाहूंगी कि उस दौरान जब आप एक बिस्तर पे इस तरह से लेटे हुए थे, इस हालात में थे, तो वो कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी कि नहीं मुझे फिजिकल का ये एग्जाम जो है वो देना था? क्योंकि ऐसे हालात में इंसान अक्सर परिवार से है, तो हमारे परिवारों में आज भी यही सोच है कि हमारे परिवार का कोई लड़का जो है वो टीचर्स, आर्मी, पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सेवक, यहाँ तक ही पहुंचे, यही सोच है और यही रहता है कि पहले कि हमारा परिवार का कोई लड़का जो है नौकरी लगे। मेरी माँ का ये कि सपना था कि ये नौकरी लग जाए और उसी सपने को पूरे करने के लिए मुझे बार बार वो माँ का सपना जो था वो मुझे हौसला दे रहा था कि मुझे बहुत कुछ करना है और हार के नहीं बैठना है। तो आखिर इस फील्ड में आने का आपका ध्येय क्या था, क्या वजह थी कि आप इसमें आना चाहते थे? मैं बताऊं कि मेरे बड़े भाई राजस्थान पुलिस में है, बाड़मेर से पोस्टेड है, तो मैं उनके साथ में रहा था, मेरा एजुकेशन उनके साथ में हुआ 8 साल का, तो मैं ज़्यादातर पुलिस के साथ में ही पला बढ़ा हूँ, थाने में भी रहा, कार्यप्रणाली भी देखी, पुलिस की गतिविधि भी देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा जो शोषित और पीड़ित लोग आते हैं उनको जो सहयोग उनका पुलिस कर सकती है वो ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो पब्लिक के लिए पुलिस हेल्प करती इतना कोई कर सके, इसलिए मुझे भी लगा कि इसमें शामिल होकर के मुझे भी करना चाहिए कुछ अच्छा।
तो जब आप हॉस्पिटल में थे तो क्या डॉक्टर से फिर आपको हिदायत मिली होगी कि अभी आप फिजिकल तौर पर इतने एक्टिव नहीं है तो आप हो सकता है उस एग्जाम को क्लियर ना कर पाए, मतलब डॉक्टर्स की ओर से क्या कहा गया था उस दौरान? डॉक्टर की ओर से सजेशन था कि आप पहले अपने शरीर का ध्यान रखते हुए रनिंग करें या मैदान में उतरे। उस समय मेरे पास में एक ऑप्शन भी था कि तत्कालीन जैसलमेर एसपी श्रीमान राजीव पचार साहब ने भी कहा था कि मैं जैसलमेर से तो ये है फिजिकल इनका, लेकिन राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो लास्ट में फिजिकल किसी जिले का होगा वहाँ करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन रहता नहीं है नियमावली के अनुसार। लेकिन मैंने भी हिम्मत जुटाई कि मैं अभी यहीं से कर देता हूँ और घुस पड़ा मैदान में। आपके अब तक के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो आपने मानवता के नाते भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं इस फील्ड में रहते हुए, वो ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आपको बहुत तसल्ली मिली हो, एक सेटिस्फेक्शन हुआ हो? मुझे तसल्ली हुई थी 5 अप्रैल 2022 के दिन जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर एक बस दुर्घटना हुई थी। अच्छा। चलती हुई सवारियों से भरी हुई बस करंट की चपेट में आ गई थी, ऊपर से लाइट का वायर टच होने से उसमें जो कुछ घायल थे उन घायलों को मैं जिस गति के साथ में और वहां जाकर के उनको गाड़ी में बैठा करके त्वरित अस्पताल पहुंचाना, उस समय उनकी गाड़ी में बैठे हुए उनकी हालातों को देखते हुए मेरे अंदर जो हिम्मत जागरी थी कि नहीं, सारी रिस्क लेकर के मुझे इनको तुरंत डॉक्टर तक पहुंचाना है ताकि इनकी जिंदगियां मेरी जिंदगी से भी ऊपर है, और उसमें जो मैं सक्सेस पाया मैंने उससे मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि हुई। सुना है कि आप एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, तो इस तरह कैसे रुझान हुआ आपका? हाँ, अगर लेखन कला की ओर जाऊं तो मैं पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद में ट्रेनिंग सेंटर में चला गया था। ट्रेनिंग सेंटर में मुझे हमारे उस समय के कमांडेंट आदरणीय नाजिम अली जी साहब वो मिले, और हालांकि मैं उस समय थोड़ा डिप्रेशन में था, ये वायुयान दुर्घटना वाला लगा हुआ भी थी, माइंडली भी डिस्टर्बेंस था थोड़ा और शारीरिक भी था, तब मुझे नाजिम अली साहब ने ये प्रेरित किया कि आप ऐसा कुछ न कुछ करें जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि हो। अच्छा। फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ सर, मेरा ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा, मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं है, तो उन्होंने बताया कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो लेखन कला को शुरू करें, कुछ भी आपके सामने जो कुछ भी है उसे लिख डालो आप। तो जो ही मैंने लिखना शुरू किया, एक दो बार लिखा, उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया, कुछ मेरे मित्रों ने सहयोग किया, उसको अच्छा बताया, तो आत्मिक संतुष्टि मिली। धीरे धीरे करत करत अभ्यास इस ओर बढ़ते गए और कुछ अच्छा हुआ। फिर हमने हमारे एक साहित्यिक मेरे गुरु है महेंद्र सिंह जी छायण, उनके मार्गदर्शन में एक शहीद हुए थे राजेंद्र सिंह जी मोहनगढ़ जैसलमेर के, उनके ऊपर हमने एक बुक्स छपी थी, और मेरा भी सौभाग्य है कि उस ऑल ओवर इंडिया भर के लोगों में से जो लोग सेलेक्ट हुए थे जिनकी साहित्यिक गतिविधि साहित्यिक रचना उसमें सम्मिलित थी, उसमें 2 पेज की जगह मुझे भी मिली थी, वो भी मुझे एक ऐसी आत्मिक संतुष्टि है साहित्य लेखन। और फिर ये साहित्य को लिखते लिखते फिर मन में जचकी कि मुझे फोटोग्राफी करनी चाहिए, फिर फोटोग्राफी का फील्ड जो ही, हालांकि कोई फील्ड चुनने की तो विचार नहीं था, लेकिन जो ही शौक जागता है मैं करता जाता हूँ, और कुछ फोटो अगर मैंने क्लिक किए तो लगा किए तो अच्छे हो रहे, कुछ फोटो जब मैंने एक बार आंधी का बॉर्डर था उसे मैंने उस फोटो को क्लिक किया और दैनिक भास्कर ने अच्छी जगह दी, और वो फोटो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया था, तो मुझे लगा कि हाँ मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ इससे, तो फिर मैं मोबाइल से फिर कैमरे तक आ गया, और फिर मैंने वाइल्ड लाइफ का क्षेत्र चुना है फोटोग्राफी के लिए। कहते हैं कि सबकी जिंदगी की कहानी होती है, और उस कहानी में कुछ ऐसी घटनाएं होती ही है जो हमारी कहानी में चार चांद लगा देती है, और मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी की ये घटना जो न जाने कितने लोगों को हौसला देती है, तो क्या कभी आपने इस घटना का जिक्र कभी ये सोचा कि मुझे इस पर एक बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि वाकई ये जो घटना है वो कई लोगों को हौसला देती है, विश्वास में भर देती है? बिल्कुल, ऐसा विचार एक बार जहन में आया था कि मुझे कुछ करना है, ये सारा लेखबद्ध करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ हालांकि समय की कमी नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिबद्धताएं रहती है, समय से हम बहुत बंधे हुए हैं, तो इस ओर मेरा विचार है कि मैं इसे लेखबद्ध करूँगा। अभी साहित्यिक गतिविधियों का मैं लेखबद्ध कर रहा हूँ, तो
विचार भी ऐसा है कि मैं एक पहले एक साहित्यिक कविताओं की किताब लिखूंगा, उसके बाद में अगला विचार मेरा ये रहेगा कि जीवनी के बारे में। हालांकि मैंने लिख रखा है लेकिन मैंने उसे वायरल नहीं किया है। कुछ जिंदगी के कुछ पार्ट लिखे हैं मैंने। देखिए, आपने मौत को बहुत करीब से देखा है, तो मैं आपके जवाब में ये जानना चाहूंगी कि आखिर आपके लिए जिंदगी के मायने क्या है। जिंदगी के मायने तो वही जो हर व्यक्ति के लिए होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ अलग थे। मेरा मायना, हालांकि उस एक्सीडेंट से मैं जब मौत को छू करके वापस आया, उसके बाद मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे यहाँ मारा नहीं है, मुझे जिंदा छोड़ दिया है। ईश्वर ने मेरा सहयोग किया और मैं जिंदा हूँ, तो मुझे इसलिए जिंदा छोड़ा है कि मैं अपने लिए नहीं जीऊँ, मैं मेरी जिंदगी को औरों के लिए लगाऊँ। इसलिए मैंने फिर नौकरी के साथ साथ में सामाजिक जीवन को भी चुना और बहुत सारे ऐसे काम जो नौकरी के साथ में कर सकता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं आए दिन रोडों पर एक्सीडेंट होते हैं, उसका ज़्यादा कारण रहता है रात के समय में ट्रैक्टरों का चलना। यहाँ जैसलमेर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है यहाँ से चारक से भरी हुई गाड़ियाँ रात में चलती है, तो सामने वाली आती। आजकल जो ड्राइवर्स हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो स्टेयरिंग फास्ट ड्राइवर है, उनको यातायात नियमों का ध्यान नहीं है। तो यातायात नियमों के बारे में जागरूकता करना, ट्रैक्टर्स पे रिफ्लेक्टर लगाना, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी की अगर लाइट भी फॉक्स ज़्यादा है तो उसको दिखे कि हाँ आगे कोई व्हीकल चल रहा है, ये है। फिर रामदेव मेला है, उस समय भी हम ये प्रयास करते हैं कि जो मेलार्थी पैदल चलते हैं उनका किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हो, हालांकि गाड़ी वाले को दिखता नहीं आमने सामने लाइट, तो उनके बैग पे, उनके शरीर पे, उनको कपड़ों पे रिफ्लेक्टर लगाने का काम, ऐसे बहुत सारे सामाजिक प्रकल्प है जो चला रखे हैं। आप अपने नाम के पीछे लून सिंह महाबार लगाते हैं, महाबार क्या? वैसे हमारा गांव का नाम महाबार है। मैं क्षत्रिय संघ की पाठशाला से निकला हूँ। अच्छा। तो क्षत्रिय संघ की पाठशाला से हमारे को जो संस्कार दिए, उन संस्कारों के अनुसार हमारे ये है कि हम नाम के पीछे जाति नहीं लगाते, नाम के पीछे गांव के नाम का जिक्र करते हैं। अच्छा। तो महाबार मेरे गाँव का नाम है और मुझे भी लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँ, दुनिया से हटके करूँ, और अगर मेरा गांव मेरे पे गर्वान्वित हो तो मेरे लिए बेहतर खुशी है। महाबार के लिए कहा जाता है कि वहाँ के लोगों का जो है सरकारी नौकरी की तरफ एक रुझान जो है वो काफी कम है, एक गलत धारणा है उसको लेकर, आप क्या सोचते हैं? हालांकि ये पुराने समय की बात है, अब तो मैं तो इस चीज को नकारता हूँ। आज औसतन अगर देखा जाए तो हमारे गाँव में हर चौथे घर में एक सरकारी नौकरी में है। अच्छा। और बाकी वर्तमान समय में व्यापार में भी अच्छे लोग हैं। आगे जिंदगी में आपका एक सबसे बड़ा अगर उद्देश्य की बात करूं तो वो क्या उद्देश्य आप लेकर चलते हैं? मेरा उद्देश्य इस खाकी के लिबास को उजला रखूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ एक खास बातचीत करने के लिए, और बाकी आज आपसे बात करने पर ये लगा कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये थे लून सिंह राठौर जी से हमारी खास बातचीत। अगली बार फिर होगी किसी ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात, तब तक ले लीजिए इजाजत। नमस्कार।